So let us open the door. Okay. So door ऐसा है, एंटर होते ही अंदर है. डोर क्लोज करके दिखाती हूँ आपको. इस साइड में एक पेंटिंग है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ. 2.5 है ना सुभाष? 2.5 है ना? 2.5 BHK. सो ये, हाँ, 3 BHK बोल सकते हो, लेकिन पहला रूम जो छोटा छोटा है इसलिए 2.5 है. सो यहाँ पे एक ऐसा यूनिट है, और इस साइड में उन्होंने एक मिरर लगाया है जो कि एग शेप का है. तो मैं आपको बाहर से जैसे मैंने आपको दिखाया वैसा है. सो इस वॉल से इधर आते हैं इस वॉल पे. ओके, सो ये यूनिट है यहाँ पे एक इस वॉल पे. सो इस यूनिट से यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा स्टैंड जैसा कुछ तो रखा है, जहाँ पे एक ड्रॉअर जैसा है. यहाँ पे इसको बंद ही रखते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने एक फ़ोन रखा हुआ है, और यहाँ पे है एक आपका वीडियो डोर बेल आपका. तो ये एक अच्छा यूनिट है आपका, काफ़ी लंबा है. ओके, सो यहाँ पे काफ़ी सारा आप स्टोरेज का इन्होंने हिसाब दिया है. इस हिसाब से यहाँ पे आप नीचे इन्होंने शूज़ का रखा है, और ऊपर इस हिसाब से रखा है इन्होंने स्पेस. अब इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी आप करवा सकते हो. सो ये एक है यहाँ पे. ओके, तो एंट्री में जैसे हम यहाँ से एंटर हुए, डोर के इस वॉल पे है ये वाला यूनिट. इधर मैंने जैसे आपको दिखाया है आपका मिरर वगैरह, और यहाँ पे सुभाष भी है मेरे साथ. तो यहाँ से एंटर होते ही यहाँ पे है आपका ड्राइंग रूम. साइड में जो मैं 2.5 बोल रही हूँ उसका 0.5 वाला जो है वो ये है. आप इसको किड्स रूम या फिर स्टडी बना सकते हो. तो ऊपर कुछ ऐसी बहुत प्यारी सी मॉडर्न लाइट्स जैसी इन्होंने डाली हुई हैं. इस वॉल को इन्होंने ये शेड रखा है आपका कुछ तो टील जैसा है ब्लू कलर में, और ये एक स्टडी टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने ऐसा वॉल के साथ ही इसको परमानेंट कर दिया है. और यहाँ पे एक इन्होंने ये ना मटेरियल, आई एम नॉट वेरी मच यू नो नॉलेजेबल इन टू दिस. तो यहाँ पे एक ये चेयर है इस तरह का कंफर्टेबल सा लाउंज चेयर जैसा. यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट है जिसको आप हटा के लेटने के लिए एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हो. काफ़ी स्टोरेज है ऊपर, काफ़ी पॉसिबिलिटी है और स्टोरेज बनाने की. यहाँ पे पूरा ये स्टोरेज है, और इसको ओपन करते हैं तो इस हिसाब से सारा उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है. जो छोटा रूम है काफ़ी यूजफुल इसको बना दिया है, काफ़ी स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया है. तो ऊपर भी ऐसा ही स्टोरेज है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने जगह रखी है जहाँ पे आप कुछ यू नो शोपीस वगैरह रखना चाहो तो वैसा. तो इसी रूम के साथ यहाँ पे है, हर रूम के साथ एक एक बालकनी है. सो ये रूम ऐसा दिखता है यहाँ से, पीछे से दिखाती हूँ मैं आपको कुछ ऐसा. सो यहाँ से ऐसे हम आए तो यहाँ पे है आपका बालकनी. तो ये है बालकनी यहाँ पे. सो ये पार्क फेसिंग है ये वाला जो फ्लैट है, नीचे पूरा ग्रास दे रखा है. और ये जो बालकनी है ना, बेसिकली ये शेयर्ड हो रहा है यहाँ, ये रूम और जो ड्राइंग रूम इस बालकनी को शेयर कर रहा है. तो काफ़ी लंबा बालकनी है, काफ़ी बड़ा बालकनी है, स्पेशियस है बहुत. तो ये गार्डन फेसिंग है, तो यहाँ से आपका पूरा गार्डन दिखता है लाइक दिस. पूरी बिल्डिंग्स दिखते, पूरी सोसाइटी का व्यू मिल रहा है आपको, और पूल व्यू है यहाँ पे. तो इधर है इनका स्विमिंग पूल ऐसा. तो ये पूरा व्यू बहुत सुंदर है यहाँ से. तो चलिए वापस अंदर चलते हैं. ओके, तो यहाँ से आते हैं हम. ये बहुत प्यारे प्यारे ना गोल्डन टच दिया है, कलर्स बहुत सुंदर चूज किए हैं. ऐसा है यहाँ पे इन्होंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस रखाए हैं लाइक दिस. तो चलिए अभी हम यहाँ से चलते हैं ड्राइंग रूम में. तो ये है ड्राइंग रूम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ड्राइंग रूम है. सो यहाँ पे ये ऐसा, इसको आप एज अ टीवी यूनिट भी यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे इन्होंने एक पेंटिंग रखी हुई है, आप इधर टीवी लगा सकते हो. यहाँ पे कुछ तो इन्होंने अच्छे अच्छे बड़े सुंदर सुंदर से, बहुत प्यारे प्यारे हैं इन्होंने जो भी यहाँ पे शो पीसेस रखे हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे हैं इस तरह के से पूरा इट्स ए मैच करता हुआ. एंड एक्सक्यूज द नॉइज, मेरे जूतों से आवाज़ आ रही है काफ़ी. ओके, ये है ऐसा. ठीक है, ये आपका एंट्री से हम आए, यहाँ पे ऐसा है. उधर वो दूसरा रूम था, और यहाँ पे है ये ड्राइंग रूम. ये है ड्राइंग रूम ऐसा. ड्राइंग रूम का ये वाला पार्ट इन्होंने पार्टीशन करके रखा है. तो ये पार्टीशन है यहाँ पे, टीवी यूनिट इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है. आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे आप टीवी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी यू नो टीवी यूनिट लगा सकते हो. जैसे मेरे भाई के घर में यहाँ पे है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. तो ये इसी के साथ वो बालकनी जो मैं अभी आपको जस्ट बालकनी दिखाया, वो इसी रूम के साथ वो बालकनी शेयर हो रहा है यहाँ पे, उसी रूम के साथ सेम बालकनी शेयर हो रहा है. ओके, सो बालकनी से हम आते हैं वापस. तो ये है सोफ़ा यहाँ पे,
यूनिट है, बीच में आपका कॉफी टेबल जैसा सेंटर टेबल, यहाँ पे उन्होंने दो सिटिंग के जो अरेंजमेंट्स है वो किए हुए हैं, आप इसको यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हो या फिर उठा के आप यू नो बीच में कोई आपके गेस्ट वगैरह आए तो यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है इस एरिया को। तो ये टीवी यूनिट है ऐसा, उसके ऊपर भी उन्होंने एक शेल्फ दिया हुआ है। ओके, और चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। तो ये है डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा सा एक ऊपर शैंडलियर जैसा लगाया हुआ है, और अच्छा सा एक बहुत गोल्डन के उसमें उन्होंने रखा है, मोस्टली जो चीज़ें हैं ना गोल्डन वैसा रखा है यहाँ पे। ये सारा आपका डाइनिंग टेबल हो गया है। ओके, अभी डाइनिंग टेबल से मैं बताती हूँ, इस साइड में उन्होंने रखा है किचन यहाँ पे, और ये बीच में पार्टीशन दिया है, और यहाँ पे इन्होंने इनका है आपका ड्राइंग रूम। तो अभी चलते हैं किचन की तरफ। किचन भी काफ़ी लंबा है और ओपन है किचन, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा एक यूनिट बनाया हुआ है इस वॉल पे ऐसा, और यहाँ पे एक क्लॉक लगा दिया है, वॉल क्लॉक, बड़ा ट्रेंडी सा। ओके, यहाँ पे रखा है इन्होंने साइड में फ्रिज, और ओपन किचन है। सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दैट। यहाँ पे इन्होंने एक लाइट लगाया हुआ है, ये एक आपका छोटा सा ना यू नो कॉफ़ी कॉर्नर या फिर जैसे भी आप इसको बनाना चाहो यू नो साइड में छोटा सा। ओके, तो यहाँ पे आते हैं किचन की तरफ, ऐसा है किचन दोनों साइड से, लेट मी शो यू लाइक दिस। ओके, काफ़ी स्पेस है किचन में, बहुत स्पेस है और वाइट में है, सो बहुत स्पेशियस लगता है और स्पेशियस है भी। और ये यहाँ पे है एक और बालकनी, ओपन किचन है तो यहाँ पे है ये बालकनी, सो बालकनी से भी सेम वही व्यू दिखता है। बालकनी, किचन का बालकनी, बहुत ह्यूज बालकनी है फ्रेंड्स। तो ये किचन का बालकनी उसके साथ उसके बालकनी को शेयर करता है, तो एक बालकनी से दो रूम आपके शेयर हो रहे हैं। तो वो रहा है सुभाष, वो दूसरा रूम का बालकनी जो मैंने दिखाया था आपको ड्राइंग रूम वो। तो चलिए अंदर चलते हैं वापस। सो आ गए हम वापस अपना डाइनिंग एरिया में, अभी यहाँ से हम चलते हैं दूसरे रूम में। तो यहाँ पे दो बेडरूम है, यहाँ पे एक बेडरूम है, इधर एक बेडरूम है, तो पहले चलते हैं इस बेडरूम में। बेडरूम में एंटर होते ही इन्होंने इस साइड में रखा है ये पूरा मिरर, तो डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल की जगह उन्होंने ऐसा एक मिरर रखा है, जो कि बहुत मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओपन ड्रेसिंग आपका जो टेबल जैसा कुछ हिसाब है इसका, सो नीचे इन्होंने सिटिंग एरिया ऐसे बनाया है, इसको निकाल के आप आराम से बैठ के रेडी हो सकते हो। सो ये कुछ ऐसा है, और पीछे इनके बैक लाइट्स दिए हुए हैं वार्म कलर में, जो कि इसका पूरा लुक अच्छा सा निहाल के आ रहा है। ओके, ये जो बालकनी है वो जो मैंने किचन से दिखाया ना, तो ये वही बालकनी है, तो ये बालकनी किचन और ये वाला रूम वो बालकनी शेयर कर रहे हैं। और इधर आए तो हैं यहाँ पे पूरा ये पूरा आपका कबर्ड और बहुत स्टोरेज है इसमें, इन्होंने पूरा शीशा लगाया है। शीशा लगाने का फ़ायदा ये होता है ना कि आपका पूरा रूम बहुत बड़ा दिखता है, सो वो है काफ़ी स्टोरेज, बहुत सारा स्टोरेज है, बहुत स्टोरेज अवेलेबल है यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो आई एम गोइंग टू स्टील अ लॉट ऑफ आइडियाज फ्रॉम हियर। तो ये है इनका ऐसा बेड। ओके, और दिखाती हूँ मैं आपको बाथरूम, बाथरूम इज क्वाइट बिग। ओके, ऐसा सो बाथरूम में एंटर होती है यहाँ पे आपका, ऊपर एक मिरर लगाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने यूनिट लगाया हुआ है, इस तरह का वॉश बेसिन है, यहाँ पे भी पूरा स्टोरेज है, ऐसा पूरा स्टोरेज है यहाँ पे। और यस, और क्या है यहाँ पे, एक पार्टीशन दे रखा है और शावर कुछ ऐसा है। ओके, सो दिस इज काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे भी है एक खिड़की और इधर भी है एक आपका विंडो जैसा। सो ओके, इधर भी है विंडो जैसा, तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन इज वेरी गुड रूम से। ये है बेडरूम, तो लेट अस गो बैक, गेट इन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट रूम में। बिल्कुल मिनिमल रखा है, बेसिक रखा है, कलर्स काफ़ी ब्राइट यूज़ किए हैं, बट बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड नहीं किया है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट बेडरूम जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसका जो टॉयलेट है वो यहाँ पे है, दो साइड से ओपन होता है, तो आप अगर उधर वाला दरवाज़ा लॉक कर दोगे ना, दिस कैन बी यूज एज अ गेस्ट आपका टॉयलेट। ये वाला दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दोगे तो दिस डोर कैन बी यूज एज अ आपका प्राइवेट, इस बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बेडरूम दिखा देती हूँ, फिर वो टॉयलेट दिखाती हूँ। सो ये बेडरूम भी बहुत बड़ा है, इसका अपना खुद का अलग बालकनी है, जो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है। सो पूरा वुडन फ्लोरिंग है, ये भी वुडन फ्लोरिंग है, और जो ये बेडरूम था इसका भी वुडन फ्लोरिंग है। सो कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर,
तो ये ऐसा है, कुछ ऐसा इन्होंने डेकोरेट किया है। अगेन यहाँ पे पूरा आपका स्टोरेज है, वो पूरा अंदर पूरा कबर्ड है, पूरा वॉल के अंदर ही है, तो आपका एक्स्ट्रा स्पेस ये यूज़ नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से रखा है। साइड में एक आपका कंफर्ट सा लाउंज चेयर जैसा रखा हुआ है। यहाँ पे टीवी यूनिट लगाई हुई है इन्होंने। और ये वॉल आप देख सकते हो कैसे इन्होंने बनाया है। दिस वॉल लुक्स वेरी नाइस। आई एम नॉट फेमिलियर विद द नेम ऑफ दिस वॉल, बट ये मैंने बहुत जगह देखा है। सो ये काफ़ी अच्छा रिच लुक प्रोवाइड करता है, बड़ा एलिगेंट सा लग रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने एक टीवी माउंट कर दिया है। ये रूम कुछ ऐसा लगता है यहाँ से। ये बेड लगा दिया है, यहाँ पे टॉयलेट हो गया आपका, और यहाँ पे आपका टीवी यूनिट है। एसी का ऊपर है, फ्लोरिंग ऊपर की आपकी जो सीलिंग है वो कुछ ऐसी है। तो ये मैंने आपको दिखाया, पूरा कबर्ड है, बहुत स्पेशियस है पूरा, ये ऐसा है। तो यहाँ से इधर आते हैं बालकनी में, यहाँ का भी व्यू दिखा देती हूँ आपको। ये स्केटिंग रिंग है पीछे, तो ये स्केटिंग रिंग का ही यहाँ पे व्यू है, और यहाँ से आपको बाहर कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं एक बार आपको जो यहाँ का बाथरूम है वो दिखा देती हूँ। बाथरूम कुछ ऐसा है इसका भी, सेम ऑलमोस्ट सेम ही है बाथरूम, बस उसका जो वॉश बेसिन वाला एरिया था आई थिंक थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे भी ये पूरा अच्छा खासा स्टोरेज है, और उन्होंने कुछ ऐसे डेकोरेट किया है इसको। अगेन यहाँ पे एक पार्टीशन दिया हुआ है, और यहाँ पे भी एक खिड़की है इधर ऐसा, तो वेंटिलेशन के लिए आप इसको ओपन कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू द लास्ट बेडरूम, ये था लास्ट बेडरूम, तो कुछ ऐसा इधर से दिखता है। सो मेरा वीडियो दिखाने का रीज़न ये था बिकॉज काफ़ी लोग आप में से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपने भाई का फ्लैट शेयर करूं, तो उनके फ्लैट में पूरा इंटीरियर का वर्क चल रहा है, तो वो जब भी बन जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इन द मीनवाइल दिस फ्लैट वाज रेडी, तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ, काफ़ी चीज़ें सिमिलर सी उन्होंने यूज़ करी हैं। एक बार ये फ्लैट दिखा दूँ आपको, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसा है। तो ये है सोसाइटी ग्रीनबर्ग इन गुड़गांव, सेक्टर 86, और मैं जो आपको दिखाई थी ये 2.5 BHK है, वेरी नाइस सोसाइटी। तो मैंने जब अपने भाई का वीडियो दिखाया था ना, तो आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कहाँ पे है दीदी, थोड़े डिटेल्स दे दो, यू नो हम भी गुड़गांव में फ्लैट देख रहे हैं। यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद देम। तो ग्रीनबर्ग सेक्टर 86 है ना, हाँ, माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग, यस दिस इज माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई रियली होप यू एंजॉयड माई वीडियो, और मेरे भाई के जो घर का टूर है वो भी आपको जब जैसे उनका इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा तो या तो मैं शूट करके आपको वो पूरा दिखा दूंगी, या फिर वो लोग भेज देंगे, जैसा भी है, आई थिंक मैं ही शूट कर लूंगी। तो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम। आई रियली होप आज की वीडियो से आपको काफी आइडियाज मिले होंगे, मुझे भी डेकोरेशन के बहुत आइडियाज मिले। सी छोटी छोटी जगह में यू नो दे हैव यूज्ड दिस प्लेस नाइसली, और काफी स्पेशियस फ्लैट है, मुझे बहुत स्पेशियस और बहुत स्टोरेज है, काफी स्टोरेज प्रोवाइड किया उन्होंने, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई रियली होप यू एंजॉयड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।